बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा खा के, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। बोला भी नहीं जा रहा, यम्मी, बहुत टेस्ट। तो दोस्तों, इंडिया में फर्स्ट टाइम आपके लिए एक ऐसी कार्ट को बनाया गया है जो कि अभी तक आपने देखी नहीं होगी। और दोस्तों, इसमें जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा ना, इसमें जो प्रोडक्ट आप पब्लिक में लॉन्च करने वाले हैं, कभी देखे नहीं होंगे। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होने वाले हैं, 15 से 20 तरह की वैरायटी आप कस्टमर को सर्व करने वाले हैं। और आप एक ऐसे बहुत बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने वाले हैं जिसका जो नाम है दोस्तों, अपना अड्डा। ये अपने अड्डे की दोस्तों आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं आप अपने एरिया में, और अपने एरिया में ही आप ही सर्व कर रहे होंगे, कोई दूसरा कर ही नहीं होगा। मतलब आपका कंपटीशन, कोई कंपटीटर खड़ा होने ही नहीं वाला है। पूरा कंप्लीट सेटअप आपको मिलने वाला है और प्रोडक्ट ऐसे रहने वाले होंगे कि जो कि कस्टमर ने अभी तक टेस्ट किए ही नहीं होंगे। 15 से 20 तरह की वैरायटी होने वाली है, और जो भी आपके पास कस्टमर एक बार टेस्ट कर लेगा ना, वो दोबारा जरूर आएगा। कई तरह के बिजनेस में हम जाते हैं तो उसमें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको कोई कंपटीशन का सामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ही बिल्कुल नया होने वाला है और बिल्कुल नया आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और अपना अड्डा के बारे में बताइए कि आपने क्या सोच के इसको लॉन्च किया। धन्यवाद अजीत जी। मेरा नाम है सुरिंदर सिंह रावत, मेरी फर्म का नाम है श्री नीलकंठ इंडस्ट्रीज, 20/34 बस पटेल नगर, नई दिल्ली 8। सर, सबसे पहले तो मैं जितने मेरे भारत देश के नागरिक और मेरे व्यूवर देख रहे हैं, उनको मैं आज दशहरे के पावन दिवस पे मैं उन सबको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज हम भाई रावण दहन के दिन हम आज एक नए काम की ओपनिंग कर रहे हैं, जिसको कि कहते हैं अपना अड्डा। अपना अड्डा प्रेरित मैं इससे हुआ कि भाई लोगों के पास कई बार क्या होता है कि मार्केट में जगह लेते हैं तो जगह उनको 25-30 हज़ार से कम नहीं मिलती, तो जो उन्होंने उससे ज़्यादा कमाना होता है उससे ज़्यादा वो मार्ट के मकान ले जाता है। अच्छा। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हम कार्ड बनाते हैं, तो सौभाग्य से जब हमने कार्ड डेवलप करी तो इस हिसाब से करी कि जो हमारी नवल्टी आइटम है, जो कि मैं 100% मोनोपोली की आइटम है। अच्छा। वो मैं अपने कार्ड में विद मैं मशीन विद ट्रेनिंग के साथ एक ब्रांड के अंतर्गत मैं पूरे भारतवर्ष में उसकी सप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, तो जो ये आपने कार्ड बनाई है एज ए डेमो के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए बनाई है या फिर किसी और के लिए बनाई है आपने? नहीं सर, ये ना हमारे पास आप ही की अजीत बिजनेस आइडिया पे वीडियो देख के कस्टमर आए थे, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो आपने लॉन्च करी थी जिसमें मैंने कुल्लर पिज्जा और कप पिज्जा दिखाया था। अच्छा। उससे प्रेरित होकर इम्प्रेस होकर हमारे पास जयपुर से एक सज्जन आया है। हाँ। जो कि हमारे पूरे राजस्थान के अब डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है और उन्हीं के लिए हमने ये कार्ड तैयार की है। अच्छा। और मैंने उन्हें भी बुलाया और उनसे आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे भारतवासियों, मैं दुर्गेश दवे जयपुर से। मैं काफ़ी समय से कोई बिजनेस ढूंढ रहा था जिसके अंदर मुझे लगे कि मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं, मेरे बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकूं, मेरे घर वालों को एक बढ़िया लाइफस्टाइल दे सकूं। तो आज आपको पता है कोई भी बिज़नेस करने में करीबन 5-10 लाख-20 लाख से नीचे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि कम बजट के अंदर एक बढ़िया सा बिज़नेस हो जाए जो मेरा खुद का हो, ना कोई मेरे ऊपर कोई बॉस हो और ना मेरा कोई कर्मचारी हो, ये मेरा बिज़नेस खुद का हो। तो उसके लिए मैंने अजीत बिज़नेस आइडिया के अंदर जो वीडियोज़ आते हैं उनके मैंने वो देखे, काफ़ी वीडियोज़ देखे मैंने अलग अलग तरीके के, अलग अलग लोगों के देखे, लेकिन मेरे को इनके वीडियोज़ सबसे प्यारे और बहुत बेस्ट लगे, क्योंकि इनके वीडियोज़ में एक सच्चाई है जो मैंने कई जगह जा करके उनके जो वीडियोस डाले हैं, कई जगह मैं वहाँ पर गया हूँ और वहाँ जा कर के मैंने देखा है। मैं अभी 15 दिन पहले मैं रावत सर के पास में आया तो रावत सर ने मेरे को इसको दिखाया कि मेरे पास में क्या क्या मशीनें हैं, किस मशीन से क्या बन सकता है और कोई भी टेस्ट जो है वो एक इटालियन टेस्ट को इंडियन टेस्ट में कैसे बनाया जाता है। और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये अभी राजस्थान में नहीं है, राजस्थान छोड़िए पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से 1-2-3 जगह ही होगी जो लोग अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल जो टेस्ट है वो इसके अंदर जो आएगा वो एक बार आप खा के देखिए। और मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो खुद का व्यापार करना चाह रहे हैं और रोज़ का 1,000-2,000-3,000 जो कमाना चाह रहे हैं, जितनी मेहनत उतना पैसा है इसके अंदर। आप सुबह 11 बजे से लेकर 11 बजे तक करेंगे तो आप 4-5 हज़ार रुपये डेली का कर सकते हैं, अगर आपका और बढ़िया चलता है तो और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है और हमारे यहाँ पर देश के अंदर फूडीज़ बहुत हैं और जो फूडीज़ हैं वो सारे के सारे चाहते हैं कि एक नया टेस्ट आए। तो इस काम को आप करने के लिए आगे बढ़ें और
हमारे साथ में जुड़ें, क्योंकि मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है पूरे राजस्थान की, तो जो जो भी करना चाहता है वो जयपुर में मेरे पास में आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर बात करके व्हाट्सअप कर कॉल करके या व्हाट्सअप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। अब ये देखिए, हम कार्ड में सबसे पहले हम अपना कुल्हड़ पिज्ज़ा बना रहे हैं सर। रखो कुल्हड़ पिज्ज़ा, ये देखिए, ये इसका फीलिंग है कुल्हड़ पिज्ज़े का सर। ये हमारी इस मशीन में एट ए टाइम 8 कुल्हड़ पिज्ज़े बनेंगे। और ये तो अभी हम लोग यहाँ पे खाली आज एक वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक इतनी उतावली हो रही है, वो कह रहे हैं रावत जी जल्दी जल्दी बनाओ और हमें भी खाने को दो। इसमें कई किस्म के बिजनेस हैं। अभी जैसे इस कार्ट के अंदर हमारी कुल्हड़ पिज्ज़ा की मशीन फिट है, UFO बर्गर जिसे कि हम हिंदी में उड़न तस्तरी बर्गर कहते हैं, जो लोगों ने कभी खाया ही नहीं है। और तीसरा है कप पिज्ज़ा, जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। लोगों ने रेगुलर पिज्ज़े तो बहुत खाए हुए हैं, लेकिन कप पिज्ज़ा नहीं खाया हुआ। आज हम वो कप पिज्ज़ा भी खिलाएंगे जी। इसके अलावा जैसे हमारे पास रॉकेट ऑमलेट वाली मशीन है, एग ब्रेड वाली मशीन है, और स्पाइरल पोटैटो वाला कॉन्सेप्ट है, चाय कॉफ़ी की मशीन है, और बहुत किस्म की मशीनें। और आने वाले टाइम में हम काफ़ी और नई नई मशीनें भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया होगी। आप हमेशा अपनी कार्ट में मशीनें लगाइए और रोज़गार कमाइए, और पहले दिन से कमाई शुरू है सर। लो सर, ये हमारा कुल्हड़ पिज्ज़ा खाने के लिए तैयार है, गर्मा गर्म। ये हमारा कुल्हड़ पिज्ज़ा बन के रेडी हो गया। और वाओ, यम्मी यम्मी, वेरी टेस्टी। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। बोला भी नहीं जा रहा, यम्मी, बहुत टेस्ट। सर अब हम ये अपनी सेकंड डिश जिसको हम कहते हैं UFO बर्गर, जिसको कहते हैं उड़न तस्तरी बर्गर सर, अब हम ये बनाने लग रहे हैं सर। ये आपको दिखाते हैं, और सर ये है हमारा UFO बर्गर, और ये दूसरा भी मैं पीस निकाल रहा हूँ UFO बर्गर का। और ये देखो, ये देखिए सर, बिल्कुल UFO उड़न तस्तरी की तरह ये बर्गर बन गया सर। लेकिन एक्चुअली मैकडी और बर्गर किंग सारी चीज़ें ट्राई की है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो डिलीशियस है, बहुत अच्छा लगा खाने में। और सर ये अब हम आपको अपनी तीसरी आइटम दिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं कप पिज्ज़ा, जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया है सर। ये जो अपना डो होता है, जैसे बेस होता है ना पिज्ज़े का, रेगुलर बेस होता है, उसी के ही बेस से हम जो इसी मशीन पे इसका कप बनता है, और कप बनने के बाद इसी पे इसकी बेकिंग भी होती है सर। ये अब हम आपको दिखाते हैं। पहले जो साइज़ था कप पिज़्ज़ा का वो छोटा था, अब फिर रिनोवेशन किया गया और बड़ा बना दिया गया है, जिससे क्या कि टेस्ट भी बरकरार रहेगा और कस्टमर को ज़्यादा क्वांटिटी में मिल पाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। तो ये जो मशीन है मतलब कस्टमाइजेबल है, कस्टमर की जैसे रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। हमारी 7-8 मॉडल की मशीनें हैं, कस्टमर जैसा चाहेगा वैसा हम लोग उनको फिटिंग करके दे सकते हैं, और वो भी बड़े इकोनॉमिकल प्राइस में। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है जो हमारी डिश बनेगी वो 100% मोनोपोली की डिश है, कि मेरा तो ये मानना कि जहाँ 50 कार्ट है वहाँ ये एक कार्ट लगा दे, अगर वो 50 कार्ट का रस ना खींचे तो सब मेरे को बोलना आकर। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि अगर आपके आस पड़ोस में अगर 50 या 100 कार्टें खड़ी है ना, तो ये बिल्कुल अट्रैक्शन का कारण बनेगी, लोग वो वाली कार्ट छोड़ के जहाँ पर भी वो फास्ट फूड खा रहे होंगे उसको छोड़ के यहाँ पर आपके आगे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, देखने के लिए बिल्कुल नया मिलेगा। तो सर बताइए कि इसकी कॉस्टिंग क्या रखी है फ्रेंचाइजी की? तो फ्रेंचाइजी लेते हैं तो काफ़ी लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि फ्रेंचाइजी का कॉस्ट देना पड़ता है, उसकी अलग से फीस देनी पड़ती है। जो भी वो प्रोडक्ट आगे मार्केट में सेल करते हैं उसकी रॉयल्टी, उस पर कुछ कमीशन वगैरह भी फ्रेंचाइजी के जो ओनर होते हैं
वो लोग काटते हैं, लेकिन आपका भी ऐसा कुछ रहने वाला है या सिर्फ काट का कॉस्ट है आपका? सर हम लोग फ्रेंचाइजी के नाम पे कोई भी अमाउंट नहीं लेते, हम सिर्फ जो नेचुरल हमारी कॉस्ट काट बनाने की है, मशीन बनाने की है, वही प्राइस लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हमारे कस्टमर को बेनिफिट ये है कि हम एक ब्रांड के अंतर्गत दे रहे हैं जो कि है अपना अड्डा। जी जो अपना अड्डा, ये आप अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो भी यही दिखेगा, मद्रास में जाएंगे तो भी यही दिखेगा, जिससे कि ये फीलिंग आएगी कि एक बहुत बड़ी इंडिया की फूड चेन है सर। और इस सब के मालिक आप खुद हो, हमने आपसे कोई रॉयल्टी नहीं लेनी, कोई फीस नहीं लेनी। हाँ ट्रेनिंग आपको पूरी देंगे, कहीं बीच में लेने के बाद भी कहीं अगर आपको कोई और भी नई डिशेज लेनी है, जैसे हम अपना कर मशीनें नहीं बनाते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग वो भी कंसिडर कर सकते हैं सर। तो फाइनली बता दीजिए कि खर्चा कितना करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी हमारे, इसलिए कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो? इन्वेस्टमेंट का हिसाब ये है कि कस्टमर का हमें नहीं पता वो किस टाइप से कार्ड बनवाना चाहता सर, लेकिन बनेगी वो अपने अड्डा के ही अंतर्गत। तो आजकल बाजार में मार्केट में स्टील के रेट भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। ये जो हमारी कार्ट है टोटल स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है कार्ट, तो जब कस्टमर हमें फ़ोन वगैरह करेंगे तो हम उन्हें सारा प्राइस कीमत सब बताएंगे सर। अच्छा, कप पिज्ज़ा की, यूएफए बर्गर की और कुल्हड़ पिज्ज़ा की, इसकी कॉस्टिंग कितने की आती है और मार्केट में हम कितने का सेल कर सकते हैं इसको? सर ये जो मैं कुल्हड़ पिज्ज़ा खा रहा हूँ आपके सामने, इसकी कॉस्टिंग आती है 35 से 40 रुपये और मिनिमम 99 रुपीज़ का बिकता सर। ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, सब जगह यही रेट है। अगर कोई रेट कम करके बेचता है तो उसके अंदर वो क्वालिटी कॉस्ट सच नहीं है सर। ये तो कुल्हड़ पिज्जे का हो गया। अब जो हमारा एक है यूएफओ बर्गर, उसकी कॉस्ट आती है सिर्फ 20 से 22 रुपये सर और मिनिमम वो 50 रुपीज़ का बिकता है। और जैसे हमारा कप पिज्जा है उसकी कॉस्ट आती है सर 30 से 35 रुपये और वो 99 का बिकता है। लोग कहते हैं कि खाने के काम में 40% प्रॉफिट है, मैं कहता हूँ मेरे खाने के काम में 150% का प्रॉफिट कहीं भी नहीं गया। आप हर तरीके से कैलकुलेशन कर लेना, जितने मर्जी खर्चे जोड़ लेना, जितना मर्जी वेयर एंड टेयर कर लेना, 150% से कम मार्जिन में काम होता ही नहीं है सर। अच्छा, तो अपना अड्डा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अगर कोई फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहता है, वो वन बाई वन करके मशीनें लेना चाहता है, जैसे कुल्हड़ पिज्जा की मशीन लेना चाहता है या फिर यूएफओ बर्गर की मशीन लेना चाहता है, पिज़्ज़ा कप की मशीन लेना चाहता है, तो अलग अलग भी मिल जाएगी? बिल्कुल सर, अलग अलग तो हम ऑलरेडी बेच ही रहे हैं, पिछले 5 सालों से हम लोग बेच ही रहे हैं। ये तो अभी जो हमने अपना अड्डा का ब्रांड का जो कॉन्सेप्ट लाया वो सिर्फ इसीलिए लाया कि आदमी परेशान होता है, जगह नहीं मिलती, दुकानदार आगे खड़े होने की जगह नहीं देता, तो एक कार्ट ऐसी चीज़ है कि जो आदमी हर जगह लगा के काम कर सकता है सर। हाँ, हमारे इस कार्ट के जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं राजस्थान के मिस्टर दुर्गेश दवे जी, उनका भी फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप अगर वहाँ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बीकानेर से बिलोंग करते हैं या उस साइड से बिलोंग करते हैं तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको सेम दिल्ली के ही प्राइस में इनके यहाँ भी वही मशीनें मिलेंगी, वही कार्ट मिलेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर आना चाहते हैं, फिजिकली विजिट भी करना चाहते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं और गूगल लोकेशन का मैप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह के टाइम टाइम पर हम इनोवेशन चलाते रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं, नई मशीनें लेकर आते रहते हैं, तो उनकी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया होगा। और इनकी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। कई तरह की मशीनें हैं, फूड की कैटेगरी में इनके पास बहुत सारी इस तरह की आपको मशीनें मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के और इनोवेशन क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।